प्री, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत क्राइम सीन्स देखे हैं, पर इतना स्पेसिफिकली डिजाइन्ड क्राइम सीन आज तक नहीं देखा। ये इमेज ऑफ अ वुमन विद लॉन्ग फ्लोई हेयर इज ऑफ एफ्रोडाइटी, द ग्रीक गॉडेस ऑफ ब्यूटी। इनकी लाशें इनकी फोटोज से बिल्कुल अलग लग रही हैं। इन्हें देखकर ये लगता नहीं कि ये मॉडल्स हैं। कहा जा रहा है कि केशव खन्ना का इन औरतों के मर्डर में जरूर कोई ना कोई हाथ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे हो गए हैं, पर अभी तक हमें इस केस के बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं चल पाया है। देश सवाल कर रहा है, पर दिल्ली पुलिस की तरह जवाब गुमनाम है। किलर के लिए ये क्राइम नहीं बल्कि एक पैशन प्रोजेक्ट था, अ वर्क ऑफ आर्ट विच वॉज एग्जीक्यूटेड टू परफेक्शन। सर, हम आपको बता रहे हैं कि हम में से कोई भी सोया नहीं था, हम सबको अच्छे से याद है। इसके सिर्फ दो मतलब हो सकते हैं, या तो सीसीटीवी फुटेज के साथ टैम्परिंग की गई है, या फिर किलर किसी ऐसे रास्ते से स्टेज पर गया है जहां सीसीटीवी कैमरास हैं ही नहीं। शायद हमारा किलर इन मर्डर्स के थ्रू कुछ कहना चाहता है, डर फैलाना चाहता है। ये केस जितना सिंपल लग रहा है ना, एक्चुअली उतना है नहीं, अभी तो बहुत पहलू खुलने बाकी हैं।